हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं भूतापीय ऊर्जा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा का उत्पादन किस पैमाने पर किया जाता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊर्जा होते हैं उसका दो प्रकार से होते हैं, यानी एक गैर परंपरागत ऊर्जा और दूसरा परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा को भी हम लोग समझ लिए थे और परंपरागत ऊर्जा को भी। तो आज हम लोगों को क्या जानना है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा आते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या आते हैं? भूतापीय ऊर्जा। तो आज हम लोग का टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। इसी को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि भूतापीय ऊर्जा का निर्माण कब हुआ, कहां से हुआ और किस प्रकार से आज हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा की अगर हम बात कर लें तो भूतापीय ऊर्जा ना, भूतापीय ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर जो ग्रीक भाषा है, क्या है? जियोथर्मल पावर। तो हम लोग अगर जियो को देखें तो जियो जो है ना एक ग्रीक भाषा है और जियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जियो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी और थर्मोस। पृथ्वी और थर्मोस। तो यानी इसको हम लोग देखें तो पृथ्वी और थर्मोस होता है। जियो का अर्थ क्या होता है? ये एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी और थर्मोस। थर्मोस को हम लोग अगर बात कर लें तो ताप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताप। तो मतलब पृथ्वी के ताप, पृथ्वी के ताप से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के ताप से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा किस क्षेत्र में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन सा क्षेत्र होगा। तो भूतापीय ऊर्जा की जो मात्रा होता है ना, ये भूमि के, मान लिया जाए कि भूमि की ऊपरी सतह ये है, तो इससे समथिंग 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर ये पाए जाते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? पृथ्वी के ऊपरी सतह से 1.5 किलोमीटर अंदर पाए जाते हैं और इसे वहां से एकत्र किया जाता है, वहां से इसे निकाला जाता है। तो ये हर जगह संभव नहीं है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा को अगर हम प्रयोग में लाएं तो सब जगह नहीं ला सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज्यादा गहराई में है। तो इसे कहां पर प्रयोग में लाया जाता है? जहां भूतापीय ऊर्जा 1.5 किलोमीटर से कम में हो। मान लिया जाए यह सतह से इसी तरह ही दूरी पर है, 0.5 किलोमीटर या फिर इससे भी कम में कहीं मिल जा रहा है, 0.1 किलोमीटर। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहां से इसको आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा जो है वो अस्तित्व में जो आया है, इससे हमारे ऊर्जा को कितना मदद मिला है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 2007 ईस्वी तक वैज्ञानिकों का मानना है कि 2007 ईस्वी तक हमारे पूरे विश्व का 0.3% ऊर्जा जो है ना वो भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ है 2007 ईस्वी तक में। कितना? कुल विद्युत ऊर्जा का 0.3%, यानी हमारे समस्त विश्व में जितना भी ऊर्जा खपत किया जा रहा है यानी उत्पन्न की जा रही है उसका 0.3%। लेकिन ये यही रुक नहीं गया है, इसको बढ़ाया गया है, यानी इसमें हर साल जो है इसको बढ़ाया जा रहा है, हर साल इसमें इंक्रीजिंग की जा रही है। तो किस प्रकार से हो रहा है? तो कहा जा रहा है कि 3% जो है ना प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि की जा रही है। 3% प्रत्येक वर्ष भूतापीय ऊर्जा की जो आउटपुट सोर्स है उसको क्या किया जा रहा है?
वृद्धि किया जा रहा है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि यह 2021 है तो अभी तक में यह ऊर्जा कितनी बड़ी रूप ले चुकी है। ये तो हुआ कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। अगर हम इसका इतिहास की बात करें तो भूतापीय ऊर्जा जो बना है वो कहां बना है और इसे अस्तित्व में कैसे लाया गया है, तो ये चीन के लिजान पहाड़ से जो बाद में हुआ किंग ची महल बना, तो ये जो है ना चीन के लिजान पहाड़ से उत्पन्न किया गया था, चीन के लिजान पहाड़ जहां पर सबसे पहले ना कुछ राजाओं के द्वारा, यह आज नहीं ईसा तीन शताब्दी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से तीन शताब्दी पूर्व यानी अगर कहा जाए तो आज से 2300 वर्ष पहले, आज से 2300 वर्ष समथिंग पहले की यह घटना है कि चीन के लिजान पहाड़ पर एक कुआं हुआ करता था और उस कुएं का जो जल था पानी था वो गर्म होता था और उस गर्म पानी का प्रयोग सर्वप्रथम कुछ महाराजाओं और राजाओं के कार्यकाल में क्या किया गया था, उसे नहाने के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि चीन के जो लिजान पहाड़ है ना उसका नाम चेंज हुआ, वाकिंग ची महल के नाम से उसे जानने लगा और इसका जो प्रयोग होने लगा वो रूम को गर्म करने के लिए होने लगा, यानी रूम को गर्म किया जाता था इससे। तो ये तो हो गया कि इसका इतिहास हम लोग जाने कि सबसे पहले ये मिला कहाँ, तो चीन के लिजान पहाड़ पर मिला, आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की घटना है। लेकिन ये जो भूतापीय ऊर्जा हुआ ये किस प्रकार इससे इस जमीन पर यानी जमीन के गहराई में प्राप्त कैसे होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो जो भूतापीय ऊर्जा होता है ना ये ग्रहों का संगठन यानी ग्रह का जो गठन होता है, ग्रह का गठन और रेडियोधर्मी क्षय, ग्रह का गठन और रेडियोधर्मी क्षय के साथ साथ जो जमीन पर हमारा सौर ऊर्जा का ताप पड़ता है, सौर ऊर्जा पड़ता है, इन तीनों के मिश्रण के कारण से भूमि के अंदर भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है यानी द्रव अवस्था में होता है और वो हीट हो जाता है जो बाहर विक्षेपित होने के लिए तैयार होता है और धीरे धीरे उसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन देखा गया कि इससे ना कि कई प्रकार से ऊर्जा बनाने की कोशिश की गई लेकिन हर बार इसमें देखा गया कि ऊर्जा बनाने में विफलता ही मिली। लेकिन 2004 ईस्वी की अगर हम बात कर लें, 2004 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 2004 ईस्वी में इसका एक परीक्षण हुआ था, 4 जुलाई में इसका परीक्षण किया गया था 2004 में, जिसमें से देखा गया कि इससे केवल 4 बल्बों को जलाया जा सका था। लेकिन यह परीक्षण जो आरंभ हुआ था यह 1904 ईस्वी से ही स्टार्ट हो चुका था, 1904 से इसका परीक्षण स्टार्ट हुआ था। लेकिन हर बार जो इसका परीक्षण हो रहा था उसमें विफलता हाथ लग रहा था, लेकिन पुनः वैज्ञानिकों ने रिसर्च इस पे करते रहा और 2004 ईस्वी में देखा गया कि इस पर बल्ब प्रकाशित होता है, इसको मतलब यांत्रिक ऊर्जा में हमने कन्वर्ट करके उससे जो होता है टरबाइन को चलाया जा सका, हाइड्रो टरबाइन को चलाया जा सका और उसके माध्यम से, इसके वाष्प के माध्यम से हाइड्रो टरबाइन को चलाया गया और उससे फर्स्ट बार 4 बल्ब को जलाया गया। लेकिन इसका जो सोर्स था यह उसी समय यह रुका नहीं, 2004 में यह आरंभ ही हुआ लेकिन कुछ देशों ने इसे इतना लाइटली लिया, इतना कि ये विश्व के 5 देश इतना इसको लाइटली लिया भूतापीय ऊर्जा को कि वो लोग अपने कुल विद्युत ऊर्जा का 15%
15% विद्युत भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ देशों ने इसे शुरू से ही इसको प्राथमिकता दी है, लेकिन सभी देशों में इसकी प्राथमिकता उस प्रकार से नहीं रहा है। तो उसमें से कुछ देश, जैसे कि हम 2004 में 5 देश का नाम बताया आपको कि 5 देश जो है वो क्या किए, इसको पूरी तरह से कम प्लांट लगाए इसका, और वहां पर जो कुल उसका विद्युत खपत था उसका 15% विद्युत भूतापीय ऊर्जा से वो प्राप्त करने लगे। लेकिन देखा क्या गया कि कुछ समय के बाद 2007 तक में इस पर 24 देशों ने रिसर्च कर रखा था, 24 देशों ने इस पर रिसर्च किया, और 24 देशों ने इससे भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से अपने 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 देशों में और उन लोगों ने बहुत इसको डेवलप किया और ज्यादा से ज्यादा भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने लगा। तो ये तो था इसका कुछ इतिहास कि ये कैसे और कहां से बना, कब इसको अस्तित्व में लाया गया और कैसे इसका आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग इसको जानते हैं कि इसके लाभ क्या है। अब हम लोग इसके लाभ को अगर जानने की कोशिश करें भूतापीय ऊर्जा की, अगर हम लाभ की बात कर लें तो भूतापीय ऊर्जा में बहुत सारे लाभ है। इससे ना सबसे पहला लाभ तो यह है कि इसमें एक बार लागत लगना, और लागत भी वो केवल कुआं खोदने में, और उसके बाद वहां से हम लोगों को क्या मिल जाता है, गर्म जल मिल जाता है और उसको वाष्पीकृत किया जाता है और उससे टरबाइन को चलाया जाता है। लेकिन अफसोस यह है कि जो कुआं होता है ना उस पर लागत बहुत ज्यादा, मतलब कहा जाता है कि जो दूसरे विद्युत ऊर्जा का जो सोर्स है उसका 50% खर्च इसका केवल कुआं खुदाई में आ जाता है। तो फिर भी उस नजरिए से भी देखा जाए तो 50% फिर भी सेविंग है, यानी 50% में लोग कुआं खोद लेते हैं और कुआं से जो जल प्राप्त होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, वाष्प टरबाइन को आसानी पूर्वक चलाते हैं और बिजली की उत्पत्ति कर लेते हैं। दूसरी चीज है कि ये जो है ना प्रदूषण इसको मुक्त ही माना जाता है, यानी इसमें प्रदूषण उतना नहीं होता है, इसमें प्रदूषण उतना नहीं होता है। दूसरी चीज है कि ये एक ऐसा संसाधन है जिसको प्रयोग के दौरान हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त नहीं होने वाला है और समाप्त संसाधन के कैटेगरी में आता है। इसलिए इस नजर से अगर हम देखें तो भूतापीय ऊर्जा बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत माना गया है और आने वाले समय में इसका वर्चस्व और बढ़ेगा, और बहुत सारे देश अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसका जो आउटपुट सोर्सेस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका हम लोग लाभ तो देखें, कुछ इस प्रकार से हम लोग हानि को भी देखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी भी चीजें आज तक बनी है, जितना भी रिसर्च हुआ है, उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान है। लाभ तो ज्यादा होता है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि नुकसान बहुत कम है, तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ ना कुछ तो हानि होगा। अब हम लोग हानि को अगर देखें तो हानि इसका बिल्कुल ही कम है, लेकिन इसका हानि होता क्या है तो आपको पता है कि यह भूमि के अंदर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और भूमि के अंदर जो द्रव अवस्था में है तो वहां बहुत सारे गैस का भी इसमें मिश्रण हुआ होगा, तो बिल्कुल हुआ है, भूतापीय ऊर्जा का जो द्रव है उसमें बहुत सारे गैस का मिश्रण है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और मिथेन CH4 और अमोनियम NH3। ये कुछ गैस कहां मिश्रित है, भूतापीय ऊर्जा के द्रव में, जो भूतापीय ऊर्जा जिस द्रव से हम लोग निकालते हैं बाहर, जिस द्रव को बाहर निकालते हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन मिला है यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिला है, मिथेन मिला है और अमोनियम मिला है। तो ये चार गैस हम लोग देखते हैं कि इसके द्रव में क्या है, मिश्रित रहता है।
जब इसका उत्सर्जन होता है, जब इसको बाहर निकाला जाता है, तो देखा गया है कि अगर एक मेगावाट, एक मेगावाट बिजली की उत्पत्ति की जाए इसके तहत सहारे भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से एक मेगावाट बिजली की उत्पत्ति किया जाए तो 122 केजी CO2 की उत्पत्ति होती है। यानी एक मेगावाट भूतापीय ऊर्जा के माध्यम से यदि बिजली की उत्पत्ति हो तो उसमें CO2 के कितनी उत्पत्ति हो जाएगी, 122 केजी। तो ऐसे हम लोग देखे ना तो एक मेगावाट में 122 केजी CO2 बहुत बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा CO2 की उत्पत्ति होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा दूसरे विद्युत और सोर्स को देखें, दूसरे ऊर्जा के सोर्स को देखें, तो उसके तुलना में यह कुछ अंश है, मतलब बहुत छोटा सा अंश बच जाता। तब हम लोग कहते हैं कि भूतापीय ऊर्जा एक उत्तम स्रोत है, इसमें पर्यावरण को नुकसान नगण्य है, क्योंकि दूसरे के तुलना में एक ये छोटा अंश है। क्योंकि बाकी और अगर हम लोग वाष्प टरबाइन की बात कर ले तो वो पर्यावरण को तो प्रदूषण फैलाते हैं, वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषण से वो जोड़ देते हैं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा है वो क्या है, पर्यावरण को प्रदूषण बहुत कम करता है और यह एक उत्तम संसाधन है। तो आज हम लोगों ने जाना कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार से बना, जैसा कि आपको भी पता है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार से बना, अभी हमने बताया था भूतापीय ऊर्जा का निर्माण सबसे पहले ये कहां प्रयोग में लाया गया और किस प्रकार से इसे हम लोग आज अस्तित्व में लाए हैं, उसके लाभ और हानि। तो इसके अलावा जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, भूतापीय ऊर्जा के अलावा और भी इसका टॉपिक है, जैसे जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भी बहुत सारे, तो सभी को एक एक करके हम लोग समझेंगे और सरल भाषा में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के कुछ और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।